हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्टोन्स को क्लीन, चार्ज और एनर्जाइज करने की। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब भी हम कोई स्टोन्स लेते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि हम इनको कैसे क्लीन करें, कैसे चार्ज करें या कैसे यूज़ करें। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि जब आप कोई भी स्टोन रेकी क्रिस्टल प्रोडक्ट से खरीदते हैं तो वो पूरी तरह से क्लीन और एनर्जाइज होता है। आप कुछ नहीं करना, बस उसे पहनना है। और जैसे जैसे हम उसको यूज़ करते हैं आगे कुछ समय बाद, तो हम उसको अगर दोबारा से रिचार्ज करें और क्लेंजाइज करें तो हमारे लिए बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और इफ़ेक्टिव रहता है। तो स्टोन्स को दोबारा से चार्ज और रिएनर्जाइज करने के लिए सबसे आसान तरीका है, हमारा एक प्रोडक्ट है क्लेंजाइजर। ये एक स्पेशल मेड प्रोडक्ट है जो कि हमने बनाया है ये स्टोन्स को क्लीन और एनर्जाइज करने के लिए। आपको कुछ नहीं करना, अपने स्टोन्स को हाथ में पकड़िए और इसके ऊपर बस दो स्प्रे कर दीजिए, ये स्टोन को क्लीन और एनर्जाइज कर देगा। इसके बाद अगर हम अभी और कोई चीज़ के तरीके से स्टोन्स को क्लीन और एनर्जाइज करना चाहते हैं तो वो उसमें से मोस्ट कॉमन होता है सॉल्ट वाटर। जनरली लोग कहते हैं कि स्टोन्स को सॉल्ट वाटर में डाल के रख दीजिए और सुबह तक वो क्लीन और एनर्जाइज हो जाएंगे। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि स्टोन्स को रात भर सॉल्ट वाटर में नहीं डाल के रखा जाता। उन्हीं स्टोन्स को आप पानी में रात भर डुबो सकते हैं जो कि नेचुरल फॉर्म में या रॉ फॉर्म में या टंबल्स की फॉर्म में हो। अगर आपने कोई स्टोन ज्वेलरी की फॉर्म में पहना है, फॉर एग्जांपल ब्रासलेट, माला या पेंडेंट, तो आप उसको रात को सॉल्ट वाटर में डाल के नहीं रखेंगे, नहीं तो उससे आपके स्टोन्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो उनको चार्ज करने के लिए क्या आसान तरीका है कि उन स्टोन्स को आप और दूसरे तरीकों से चार्ज कीजिए। अगर आपको सॉल्ट ही यूज़ करना है स्टोन्स को चार्ज करने के लिए, तो आप एक ये हिमालयन सॉल्ट का ऐसा पीस ले लीजिए, उसको आप आराम से रखिए और अपने स्टोन्स को रात को उतारें और उस स्टोन के पीस के ऊपर प्लेस कर दीजिए। सुबह तक वो स्टोन्स क्लीन और एनर्जाइज हो जाएंगे और उनको आप इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हो। ये जो सॉल्ट है ये इसमें से नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने स्टोन्स और कितने फ्रिक्वेंटली इसको चार्ज करते हैं कि इसकी रिप्लेसमेंट आपको कब करनी है। इसके अलावा दूसरा तरीका है स्टोन्स को एनर्जाइज करने का, सेलेनाइट का स्टोन। ये सेलेनाइट स्टोन की एक प्लेट है। ये प्लेट भी हीलिंग और चार्जिंग में स्टोन्स को काम करती है। जस्ट स्टोन्स को इस प्लेट के ऊपर प्लेस कर दीजिए और सुबह आप जब उठेंगे इसको यूज़ करने के लिए तो ये स्टोन्स आपके क्लीन और चार्ज होंगे। इसके अलावा आप अपने स्टोन्स को मून लाइट में और सन लाइट में भी चार्ज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आप अपने स्टोन्स को एक बाउल में डाल के फुल मून में ऐसी जगह रखिए जहाँ पे मून की रोशनी उस पर पड़े, रात भर उसे पड़े रहने दीजिए और सुबह आप उसको यूज़ कर लीजिए। इसके अलावा सनलाइट में चार्ज करने के लिए भी आप स्टोन्स को सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन उसमें हमें एक ही ध्यान रखना है कि जब भी हम सनलाइट में स्टोन रख रहे हैं तो सुबह सुबह की सनलाइट में स्टोन्स को प्लेस करना है। दोपहर को या जब सन की लाइट बहुत तेज़ होती है उस समय हम स्टोन्स को सनलाइट में नहीं रखते, अदरवाइज़ उसमें से कई सारे ऐसे स्टोन्स होंगे जो फेड हो जाएंगे, जिनका कलर डिस्ट्रॉट हो जाएगा। हमें और एक बहुत कॉमन चीज़ मिलती है कि हमने स्टोन का ब्रासलेट पहना या माला पहनी और हमारा ब्रासलेट और माला टूट गई। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि स्टोन, जब भी हम हीलिंग स्टोन्स पहनते हैं उसका कुछ ना कुछ पर्पस होता है। तो जैसे ही वो एनर्जीज को अब्जॉर्ब करता है या नेगेटिव एनर्जीज को आपको प्रोटेक्ट करता है उनसे, तो वो टूट जाता है। उसमें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्टोन्स को इकट्ठा कीजिए, उसको रीमेक कीजिए और जो मैं आपको ये टेक्निक्स बता रहा हूँ इनसे उनको क्लीन और रीएनर्जाइज कर लीजिए। इसके अलावा एक और बहुत इफेक्टिव वे है स्टोन्स को क्लीन और एनर्जाइज करने का, जिसको हम बोलते हैं साउंड हीलिंग या सिंगिंग बाउल। इसके लिए आप अपने स्टोन्स को एक सिंगिंग बाउल के अंदर रख सकते हैं और एक बारी बैंग कीजिए। ये सिंगिंग बाउल की साउंड वाइब्रेशंस उस स्टोन को क्लीन और एनर्जाइज कर देगी। इसके अलावा स्टोन्स को क्लीन और एनर्जाइज करने के लिए जो लोगों को हीलिंग मोडालिटीज आती हैं, जैसे रेकी हीलिंग एनर्जीज हो गई, प्राणिक हीलिंग या और कोई एंजेलिक हीलिंग या कोई और मोडालिटीज, उनसे भी स्टोन्स को क्लीन और चार्ज आप कर सकते हैं। तो आज आपको मैंने बताया बहुत सारे तरीके कि आप अपने स्टोन्स को कैसे क्लीन करें, एनर्जाइज कीजिए कि वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देते रहें। और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप कोई भी क्लीन और एनर्जाइज स्टोन परचेज कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पे जाके या मेरे शोरूम में आके। वेबसाइट का एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है और शोरूम का एड्रेस भी नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच।